पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में 5 भारतीय सैनिकों के शहीद होने, एकीकृत आंध्रा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के भारी शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए हुई स्थगित। बाद में कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा 2 बजे तक के लिए हुई स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाधित। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगी भारतीय चौकी पर हुआ हमला। भारतीय चौकी पर हुए पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में 5 भारतीय सैनिक शहीद। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 महीने पहले शुरू की गई प्रत्यक्ष अंतरण योजना की कल की समीक्षा बैठक में योजना को चलाने में आ रही दिक्कतों और विभिन्न जिलों में इसकी प्रगति का जायजा लिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में नदियों के पास से बिना किसी लाइसेंस या पर्यावरण मंजूरी के रेत और बालू के खनन पर लगाई रोक। एनजीटी ने उस याचिका पर यह व्यवस्था दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। केरल में इडुक्की और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिश, भूस्खलन और मकान बहने की घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ियों की ढलानों पर बने मकानों को हुआ। पिछले 2 दिनों से इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण हुआ काफी नुकसान। असम में स्वायत्त शासी राज्य के लिए 11 संगठनों के एक संयुक्त फोरम की संयुक्त कार्य समिति ने हिंसा को बंद कर वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के प्रस्ताव का स्वागत किया। इस संगठन के वित्त सचिव ने कहा कि अगर सरकार उनके गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर देती है तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने अफ्रीकी मुल्कों समेत अपने 19 दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को 10 अगस्त तक के लिए किया बंद। यह कदम अलकायदा के आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर उठाया गया। ओबामा प्रशासन ने इससे पहले 1 दिन के लिए 22 दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को बंद किया था। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों में 69 लोगों की हुई मौत। तटीय शहर कराची सबसे बुरी तरह से प्रभावित। कराची में ज्यादातर मौतें शहर के गुलिस्तान जौहर, अमरोहा सोसाइटी और सादी टाउन इलाकों में हुई। ये इलाके हैप्पी हैं जलमग। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीदने पर जताई सहमति। बेजोस ने इस अखबार और इसके अन्य संपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से खरीदा। ग्राहम परिवार पिछले 80 साल से इस अखबार के मालिक थे। फिलीपींस के दक्षिण शहर काटापोटो में हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में कम से कम 6 लोग मारे गए और 29 लोग हुए घायल। काटापोटो शहर के सिनसुआत एवेन्यू के पास मुख्य सड़क पर यह धमाका हुआ। ग्रीस की राजधानी एथेंस के निकट जंगलों में लगी आग की लपटें तेज हवा के कारण अगल बगल के घरों तक पहुंची, जिसके कारण लोगों को अपने घरों को करना पड़ा खाली। ऐतिहासिक मैराथन शहर में इस आग से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा।